Okay, students, I am going to teach you the chapter number 5 of the mathematics, arithmetic progression, AP, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं AP, arithmetic progression. एक सीरीज होती है नंबर्स की जो आगे बढ़ती है, या कभी कभी मतलब ये देखने जाए तो ये सीरीज होती है नंबर्स की जो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में बढ़ती है, और जिसमें किस तरीके से होता है हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स का बहुत ही मस्त चैप्टर, इजीएस्ट चैप्टर है, और चैप्टर का वेटेज भी बहुत अच्छा है. ठीक है, आप चाहे तो मतलब चैप्टर का वेटेज 8 मार्क का चैप्टर का वेटेज है, ट्राई कर सकते हो. बेसिक वालों के लिए भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि बेसिक जिसने भी मैथमेटिक्स दिया है उनके लिए बहुत ही अच्छा है. ठीक है, चैप्टर का वेटेज होता है 8 मार्क्स का बोर्ड के लिए. ठीक है, तो आप इस चैप्टर में से मैक्सिमम प्रिपरेशन कर सकते हैं. दूसरा पॉइंट अगर मैं देखने जाऊं, पर देखना ये वीडियो मैंने इसलिए बनाने जा रहा हूँ कि आपको इजीएस लगे, आपको और थोड़ा हेल्पफुल रहे. अगर क्योंकि आपने कभी पढ़ा था थोड़े टाइम पहले, या स्कूल में पढ़े होंगे चैप्टर में, मैंने जब पढ़ाया होगा तो होता है कि एक बार पढ़ने से तो याद रहता है, फिर जब एक दो मंथ चले जाते दूसरे चैप्टर से आने लगते हैं तो हम लोग वापिस पुराना क्या होता है कि वो भूलते जाते हैं. इसलिए यहाँ पे मैंने ये चैप्टर का रखा है, वीडियो रखा है, और आपको इसमें से पता चलेगा. देखो सबसे पहले इसमें से एंड टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो हम लोग देखते हैं, टू फाइंड द एंड टर्म ऑफ द एपी, उसका एक फॉर्मूला है. इस चैप्टर में टोटल दो फॉर्मूला वर्क करेंगे, मैं उसमें से मैं एक वाला मेन फॉर्मूला ले रहा हूँ. एंड टर्म फॉर्मूला क्या है, टू फाइंड द एंड टर्म फॉर्मूला जिसको बोलते हैं एन, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. फिर से बोल रहा हूँ, ये एंड टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है. दिस इज नॉन एज द ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो यहाँ पर मैंने बताया कि हमको nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है, दिस इज द an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d. ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, an ये ab का फॉर्मूला है जो nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है. nth टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में इनटू d, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है. ठीक है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है. जैसे कि मैं यहां पे एक बता रहा हूं फॉर्मूला, यहाँ पे an, यहाँ पे a क्या है, n माइनस वन क्या है. देखो जब भी कोई भी नया चैप्टर करो, मैथ्स का रूल समझ लेना, अगर मैथमेटिक्स अच्छी तरह से सीखना है तो कोई भी नया चैप्टर कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि कोई भी फॉर्मूला सीखते हो उस फॉर्मूला को कम से कम 10 बार से लेके 25 बार लिखो, मिनिमम 25 टाइम्स लिखोगे, 10 से लेके 25 टाइम्स लिखोगे ना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है. तो अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द nth टर्म, टू फाइंड द nth टर्म. nth टर्म का मतलब है कि nth टर्म देखना है कितना नंबर का टर्म है. मैं देखो ध्यान से सुनोगे, मेरा थोड़ा सा शुरुआत शायद बोरिंग लग रही है, लेकिन जैसे जैसे आप मेरा वीडियो देखोगे आपको सच में मजा आई जाएगी, और ये चैप्टर आपको यहाँ पर ही लर्न करवा दूंगा, चिंता मत करना. तो पहले देखना ध्यान से, तुरंत ही स्किप मत कर देना, अभी थोड़ा कंटिन्यू रखना, जैसे ही ग्रीप आएगी और भी मजा आएगी. तो यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. क्या फॉर्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई. आप बताओ कि सॉरी इसमें पता कैसे चलेगा कि क्या करना है, कोई बात नहीं, हम लोग एक सम लेके चलते समझ में आ जाएगा. सपोज मान लो कि सम ऐसा है, एपी इज गिवन, यहाँ पे एक एपी दिए, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है. जैसे कि मैंने बताया था कि नंबर ऑफ सीरीज है और एरिथमेटिक का पार्ट है, एरिथमेटिक मतलब नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो ये मैथ्स के तीन भाग होते हैं, उसके बाद तीन सेक्शन होते हैं इसके अनुसार है. जैसे मैं बता रहा हूँ, 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, 11 यहाँ पे लिखा हुआ है, 13 सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ 14 एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, 5, 8, 11, 14 ऐसी एक एपी दी है कोई सीरीज दी हुई की, और ऐसा पूछा हो कि फाइंड ऐसा पूछा हो कि 50th टर्म, क्या पूछा हो, 50th टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ गिवन एपी ऐसा लिखा हो. ठीक है, आपको ऐसा पूछा हो कि 5, 8, 11, 14 फाइंड द 50th टर्म ऑफ एन एपी. कैसे पता चलेगा, एपी यहाँ पे लिखी है, हमको फॉर्मूला के हिसाब से सेट करना है. तो सबसे पहले फॉर्मूला में किस किस चीजों का वैल्यू दिया है वो देखते हैं. सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, ए, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी. तो यहाँ पे एपी की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 5 से. तो 5 ये जो है इसको बोलते हैं ए वन, ये होता है ए टू, ये होती है ए थ्री, ये होता है ए फोर, इस तरीके से लास्ट में जिसको आता है उसको बोलते हैं ए एन. ठीक है, तो हमको ढूंढना था ए एन, पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए वन इक्वल टू क्या है, 5. तो ये हमारा बन जाएगा पहला टर्म जिसको हम लोग बोलेंगे ए, और उसी को बोलेंगे 5. तो हमारा फर्स्ट टर्म मिल गया ए, ए की वैल्यू मिल गई हमको 5. तो पहला ए मिल गया हमको, चलो ए आ गया. अब हमको क्या ढूंढना है, डी, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कितना कितना अंदर डिफरेंस है वो देखना है. तो डिफरेंस इसमें देखो 5 में कितना डालोगे तो 8 आएगा, 5 और 8 के बीच में गैप कितना है, तो 5 प्लस 3 करोगे तो 8, 8 प्लस कितना करोगे तो 11 आएगा, 3, 11 प्लस कितना करोगे तो 14 आएगा, 3. सब में 3 3 3 का गैप है, यानी कि 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, 11 प्लस 3 इक्वल टू 14. इसी को तो बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस मतलब ये तीनों, ये जितने भी नंबर्स दिए उसमें कॉमन गैप होना चाहिए,
डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, वरना अगर डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंस होगा तो वो एपी नहीं गिनाएंगे। इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि ए की वैल्यू को दी है फाइव, फिर से मैं लिख रहा हूँ तो ए इक्वल टू फाइव सी वन, ए इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज कॉल फाइव, यानी कि ए, ए बोलते हैं उसको। डी का मतलब है कितना गैप है सब में, तीन तीन का गैप है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू माइनस ए वन, या लिख सकते हैं ए थ्री माइनस ए टू, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो। एट माइनस फाइव करोगे कितना बचेगा, तीन बचेगा, वही का वही मैंने लिखा है। तो यहाँ पे डी आ गया, यानी हमको दूसरा स्टेप मिला। अभी क्या ढूंढना है, एन, और एन का मतलब है एंथ टर्म। यहाँ पे मैंने लिखा था कि एंथ टर्म ऑफ द एपी, तो एंथ टर्म क्या है, एन मतलब 50, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमको लेनी है 50। क्या लेना है, एन की वैल्यू लेनी है 50। बस ये तीनों तीन की वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या है हमारा फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखते हैं, ए एन, एन की जगह पे क्या मैं लिखूंगा, 50 की टर्म, मतलब ए 50, हमको ए 50 ढूंढना है। क्या ढूंढना है, ए एन मतलब ए 50 की टर्म हमको ढूंढना है। हमको कौन सा टर्म ढूंढना है, 50 वाला टर्म ढूंढना है। अब क्या करूंगा मैं, ए, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, पहला टर्म ए इज इक्वल फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा है 5, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 5 है, ठीक है। अगेन तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5 प्लस एन, एन क्या है हमारा 50, तो 50 माइनस 1 क्या करना है, 50 माइनस 1 कितना आएगा, डी, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 3, कितने कितने का गैप है सब में, 3 3 का गैप है, तो बस यही करना है। मैंने पहले ए की वैल्यू रखी 5, एन की वैल्यू रखी 50 माइनस 1 एज इट इज, डी की वैल्यू रखी 3, ठीक है। क्या करेंगे, 5 प्लस क्या हो जाएगा, 5 प्लस 50 माइनस 1 कितना होता है 49, और इंटू 3 5 प्लस, ये दोनों का मल्टीप्लाई, देखो इसका अगर मल्टीप्लाई करने जाओगे तो हम लोग ऐसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा 147, 3 9 27 कैरी 2, 3 4 12 2 14, मतलब ये आंसर आएगा 147। लेकिन आपको अगर बड़ा नंबर है कोई और मान लो कि मल्टीप्लाई करने में तकलीफ पड़ रही, तो आपको ऐसे करना है, ये वाला पहला नंबर कौन सा है, 49 है, 49 के बाद में कौन सा राउंड फिगर था, 50, तो 50 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देने का, उसमें भी जीरो का नहीं करने का। 5 3 क्या होता है 50, 5 3 क्या होता है 15, पीछे जीरो जोड़ दो, 150, 150 में से हमारा यहाँ पे कौन सा था 49, तो एक कम किया था, और कितने का गैप था 3, तो एक की जगह पे 3 निकालो, तो यहाँ पे 150 में से 3 निकालोगे तो भी यही का यही आंसर आएगा। ये शॉर्टकट थी, आपको जैसे ठीक लगे आप मल्टीप्लाई करने के लिए आ सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों का प्लस कर दो, तो 147 में 5 प्लस करोगे तो 152, इट इज योर ए 50, मतलब ये आ गया 50th टर्म ऑफ एपी। हमारी 50वीं टर्म जो होगी वो क्या आंसर आएगा, दिस इज द 50th टर्म ऑफ एपी, जो हमारा आंसर आएगा 152, दिस इज द फर्स्ट आंसर, पॉजिटिव रखना, ठीक है। सपोज मैं दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ एपी का, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एपी इज गिवन 4 है, देन 7 है, देन 10 है, देन 13 है, यस यस यस, फाइंड, ऐसा पूछा हो आपको, फाइंड द 60th टर्म ऑफ एपी, क्या पूछा हो, 60th टर्म ऑफ एन एपी। जरूरी है कि सब में कॉमन डिफरेंस सेम ही हो, ये तो जैसे मुझे पहले दो क्वेश्चन करवाने से आपको थोड़ा एपी का नॉलेज मिले। अब हमारा nth टर्म ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज अवर फॉर्मूला, दिस इज अवर nth टर्म फॉर्मूला। क्या है हमारा nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है, देखना है एपी में सबसे पहली टर्म कौन सी है, तो फर्स्ट टर्म इज नॉन एज द ए, फर्स्ट टर्म कौन सी हमारी 4, क्या है हमारा 4, कितने कितने का गैप है सब में देखो, तो 4 में कितना डालोगे तो 7 आएगा, 3, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, तो हमेशा सब में जो गैप है ए टू माइनस ए वन, मतलब ये इसमें से इसको माइनस करोगे आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, 3 3 का गैप है, दिस इज योर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब हमको क्या ढूंढना है, n, n का मतलब है nth टर्म, तो कितना टर्म है यहाँ पे, कितना नंबर का टर्म ढूंढना है हमको, 60, तो n की वैल्यू लिख दो 60। अब हमको क्या ढूंढना है, an, मतलब ये हमको फॉर्मूला ढूंढना है, तो a 60, बस यही हमको ढूंढना है और आंसर लाना है, ठीक है। वेरी इजी है, वापिस बता रहा हूँ, वापिस आपको फॉर्मूला लिखना, देखो चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड में तो आपको कंपलसरी फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो ए एन, ए एन की वैल्यू क्या है, ए 60, ए 60 मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है, देखो ए 60 में ए एन की जगह लिखा, ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म ए का मतलब है 4, ए की जगह लिखो 4, प्लस एन, एन कितना है 60, 60 माइनस 1 कर दोगे तो 59 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं और एक स्टेप बढ़ा के लिखवा रहा हूँ, तो 60 माइनस 1, एन की वैल्यू आ गई 60, 60 टर्म इसलिए माइनस 1 ऐसे भी, और डी और ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो डी की वैल्यू कितनी है, कितना कितना का गैप है, 3 3 का, लिख दो 3, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4 प्लस 60 माइनस 1 आएगा 59 मल्टीप्लाई बाय 3, बस ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, या फिर 60 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करके 3 माइनस करो, तो जैसा आपको ठीक लगे। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 59 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 9 27 कैरी 2, 3
आसान तरीके से करना है। एक और एक सम थोड़ा टफ लेने जा रहा हूँ ताकि हमको और समझ में आए। अभी मैं तीसरा सम करवाने जा रहा हूँ जो थोड़ा अलग से थोड़ा सा हैवी सम होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने अभी थर्ड क्वेश्चन दिया है। पहले दो क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, अब धीरे धीरे करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। और मेरे ख्याल से अभी आपको एपी का फॉर्मूला तो लर्न हो ही गया होगा। तो एपी का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी, ये दोनों का मल्टीपल है। क्या करना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आप कम से कम 10 टाइम्स टू 25 टाइम्स लिखोगे आपको अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये आपको कंपलसरी फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। आई एम यूजिंग द आई एम टेलिंग विदाउट माय। तो यहां पर क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन में दिया है हमको 8 है 15 है 22 है 29, ठीक है। 8 15 22 29 अगेन आई एम टेलिंग। तो हमारा ए क्या है, ए दिया हमको 8, ए कितना दिया हमको 8, A is given 8, A is given 8, ये first term को बोलेंगे हम लोग 8, यानी A बोलेंगे, ठीक है। Second term तो नहीं देना है, पर हमको देखना है common difference क्या है, सब में कितने कितने का gap है वो देखना है। A, D का formula है A2 minus A1 या A3 minus, मतलब आगे वाले term में से first वाला आगे वाला term minus करो, 15 में से 8 निकालो, तो क्या हो जाएगा, 15 minus 8 करो तो कितना gap आ रहा है, 7, कितना gap आ रहा है, सब में 7, 7, 7 का gap है, this is your B, ठीक है, this is your B। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो मैं चाहूंगा डायरेक्टली देता हूँ, यह अभी हमारा 7, डी की वैल्यू हमारी 7 है, सब में 7 7 का गैप, ठीक है। अब देखो हमारा एन ढूंढना है, एन कितना ढूंढना है, 75th टर्म, कितना टर्म ढूंढना है, 75th टर्म, तो एन की वैल्यू आएगी 75, एन की वैल्यू क्या आएगी हमारी 75, एन की वैल्यू लेनी है 75, सुनना एन की वैल्यू है 75। अब हमको क्या ढूंढना है, ए एन मतलब 75th टर्म, ए 75, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, an इक्वल टू क्या है हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या फॉर्मूला है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an an की वैल्यू क्या है, a 75 इक्वल टू a, a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 8 प्लस 75 n की जगह पे, तो 75 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, कितना कितना का गैप है, 7 का, तो मैंने ये रखा a, ये रखा n, ये रखा 7 डी की जगह पे, मल्टीप्लाई प्लस करते हैं, तो प्लस करते हैं, एक को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ए की जो वैल्यू रखते हैं तो लास्ट तक एक को छूना नहीं, ए की वैल्यू को एज इट इज नीचे नीचे लेके जानी है, कैरी फॉरवर्ड करनी है, पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस करके सॉर्ट आउट करना है। 75 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 74 इंटू क्या करोगे, 7 इंटू क्या करोगे, 7, ठीक है। तो 8 प्लस 74 7 सा 74 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 4 का कितना होगा 28, कैरी 2, 7 7 का 49 प्लस 2 51, ये आंसर आएगा 518, कितना आ रहा है यहाँ पे 518 आंसर आ रहा है 518, ठीक है 518, ये दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 8 करोगे तो 8 16, मतलब ये हो जाएगा 526, कितना हो जाएगा 526, इट इज योर ए 75, मतलब 75th टर्म हमारा आंसर मिला हमको 526, ठीक है। बहुत ही आसान है, आपने दो तीन सम देखे तो आपको और समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन जो होते हैं बुक के वैसे क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये मैंने ऑलरेडी पहले से तीन सम आपको नॉर्मल बता दिए थे कि जो ए एन का फॉर्मूला कैसे शॉर्ट आउट होता है, ए एन को किस तरीके से शॉर्ट आउट करना है, किस तरीके से काउंट करना है, ये हमको देखना था, ठीक है। अब यहाँ पे मिसिंग वैल्यू का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, मिसिंग वैल्यू का फॉर्मूला, मिसिंग वैल्यू अगर दी है, कोई एक वैल्यू नहीं दी हुई आपको, वैल्यू ढूंढनी थी, अभी हमने डायरेक्टली ए एन ही ढूंढा, पर आपको ए एन का आंसर दे दिया हो, ए एन का आंसर दे दिया हो, लेकिन आपको क्या करना है, किसी एक का फ्रीक्वेंसी मतलब किसी एक की वैल्यू नहीं दी होगी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को ढूंढनी है। कैसे करेंगे, जैसे कि आपको एक ही वैल्यू दी है माइनस 18, आप 5.2 टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी ओपन करोगे तो पहला क्वेश्चन हमको दिया है ब्रैकेट मतलब टेबल्स बना के, उसमें से ही मैंने क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो ए की वैल्यू दी है माइनस 18, डी की वैल्यू नहीं दी है, एन की वैल्यू 10 देनी है और ए एन आंसर दे दिया है हमको 0, तो क्या करेंगे, वापिस इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, ए एन इक्वल टू, फॉर्मूला हर जगह पर एप्लीकेबल करना ही करना है, कंपल्सरी मस्ट, तो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैंने सब में थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है, सब में से थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है, a n की वैल्यू मतलब यहाँ पे देखो आंसर दे दिया है, कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग है उसको ढूंढनी है, तो a n की वैल्यू है 0, यहाँ पे पहले से ही आंसर दे दिया है हमको 0 है, पर हमको मिसिंग वैल्यू ढूंढनी है,
ए की वैल्यू कितनी की है माइनस में 18, तो माइनस 18 देखो ए की जगह पर, ठीक है यहाँ पे है, ओके टेन। अब क्या होता है n हमको दिया है 10, तो n क्या करूंगा मैं, n करूंगा माइनस 1 क्योंकि n की जगह मुझे 10 रखना है। d की वैल्यू नहीं दी है, देखो d ढूंढना है, क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, तो मैं d को एज इट इज रखूंगा, ठीक है। अब ये हो गया 0, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लो तो माइनस 18, 10 माइनस 1 कितना होता है 9, तो मैं बन जाऊंगा प्लस 90, मतलब ये हो जाएगा माइनस 18, 10 माइनस 1 9 और इनटू d। ये माइनस 18 को मैं यूं लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू है, इक्वल टू के 18 राइट साइड में है, मैं इसको लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो माइनस होगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस 18 बन जाएगा 0 प्लस 18 क्या होता है 18, 0 लिख दिया नहीं मैं डायरेक्ट लिखा 18 इक्वल टू, ये पूरा का पूरा नंबर यहां से उनके लेफ्ट में चला गया तो डायरेक्टली क्या आएगा प्लस 90, यानी बचा 90, ठीक है। अब मुझे क्या ढूंढना है, डी तो ढूंढना है, पर ये डी और नाइन का क्या है मल्टीप्लाई, सुनना यहाँ पे क्या बचा 9d, डी और 9 के बीच में मल्टीप्लाई का जोड़ है, तो क्या करेंगे ये मल्टीप्लाई वाला नंबर कहां जाएगा डिवाइड में, ऐसा मैं लिखता हूं 9 इनटू डी इक्वल टू 18 लिखा है, मुझे डी ढूंढना है ये 9 कहां पे आएगा डिवीजन में, तो डी की वैल्यू आएगी 18 अपॉन 9, क्या बन जाएगा 18 डिवाइड बाय 9, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई में था कहां जाएगा 18 के डिवाइड में, 9 के डिवाइड में 18 आता है ये स्क्रू ड्रा करो, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा डी इक्वल टू, क्या आंसर आएगा हमारा 2, डी की वैल्यू मिलेगी 2। दिस इज द अनदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि पहले वाले मैंने 3 क्वेश्चन बताए वो बहुत ही आसान थे इजी थे, आपको एन कैसे ढूंढना वो बताया था, अभी हमको मिसिंग वैल्यू वाले सम किए हैं, तो एक्सरसाइज 5.2 में मिसिंग वैल्यू वाले सम इस तरीके से दिए हैं, जो जिसमें से मैंने एक सम लिया है जिसमें डी की वैल्यू नहीं दी है, कोई एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं दी है लेकिन आंसर दिया है, तो इस तरीके से आप शॉर्ट आउट कर सकते हो। एक बार मैं फिर से फटाफट रिवीजन बता देता हूं, फार्मूला क्या करना है वापस रखना है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, ये हमारा फार्मूला था, हमने क्या किया a की जगह पर सॉरी an की जगह पे आपको आंसर दे दिया था 0, a की जगह पे माइनस 18 दिया है फर्स्ट टर्म, d की जगह पे दिया था 10 वो लिख दिया, पर d नहीं दिया था तो d को ऐड नहीं सकता, जो मिसिंग है उसको एज इट करना है, 0 ब्रैकेट ओपन कर दो तो माइनस 18 हो गया, माइनस 18 इससे बन जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 माइनस 1 करोगे तो 9 इनटू d, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई है, तो 18 इक्वल टू 9d, डी के साथ 9 का मल्टीप्लाई 9 का जाएगा डिवीजन में, तो 18 डिवाइड बाय 9 तो आंसर मिल जाएगा आपका डी का 2 आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग दूसरी भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जैसे एन ना दिया सब ना दिया तो हम लोग देखते हैं ऐसे एक दो सब पार्टी करते हैं, ठीक है ओके। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में एक और मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं मिसिंग वैल्यू का, अभी हमको ए की वैल्यू नहीं दी, क्या है ए की वैल्यू मिसिंग है, बी की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू दी है, ए एन की वैल्यू दी है, हमको मिसिंग में ए ढूंढना है, तो क्या करेंगे वापिस फॉर्मूला तो वही का वही, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या करेंगे ए एन की जगह पर उसका आंसर दिया है यस माइनस 5 दिया है, तो यहाँ पे लिख दो माइनस 5, ए एन की जगह पर क्या किया मैंने ए एन की वैल्यू रख दी माइनस में 5, क्या है माइनस 5 ए की ए एन की वैल्यू, ए की वैल्यू नहीं दी है ढूंढनी है, ए की वैल्यू ढूंढ दी तो ए एज इट इज, ए को कुछ नहीं करना है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 18, तो क्या करेंगे 18 माइनस 1, क्या करेंगे 18 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू दी है माइनस में 7 और ये दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई का जोड़ है, ठीक है, तो ये माइनस 5 एज इट इज लेफ्ट साइड में इक्वल टू की साइन, प्लस 18 माइनस 1 कितना होता है 17 और यहाँ पे क्या करेंगे माइनस में 3, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, 17 3 जा 51 होता है, क्या होता है 17 3 जा होता है 51, 17 का टेबल करना है ना समझ में आया तो 17 का मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, 7 3 जा 21 कैरी 2 3 1 जा 3 प्लस 2 5, इस तरीके से भी आप आंसर ला सकते हो, लेकिन मैंने माइनस क्यों किया, ये बार प्लस में है ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, दैट्स व्हाई, तो a इक्वल टू माइनस में यानी माइनस 5 इक्वल टू a प्लस माइनस माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई करके 51, ये माइनस 51 को मैं यूं लेके जाऊंगा लेफ्ट में तो क्या बन जाएगा वो प्लस, क्योंकि हमको a ढूंढना है, तो क्या करेंगे यहां पे प्लस 51 क्योंकि माइनस था यूं चला गया प्लस हो गया माइनस में 5 इक्वल टू a, तो हमारा a क्या बनेगा a की वैल्यू आएगी 51 माइनस 5, क्या हो जाएगा 51 माइनस 5, क्या होता है 51 माइनस 5, तो 51 माइनस 5 कितना होगा हमारा कितना आता है 46, कितना आएगा 46, तो ए की वैल्यू मतलब हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी है हमको 46, ठीक है फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी है हमको 46, ओके इस तरीके से हम लोग ढूंढेंगे। अभी मैं एक और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी में एन ना दिया हुआ ऐसा एग्जाम बता देता हूँ, ठीक है ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन, जो हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी का देखा, एक में हमारी वैल्यू डी की नहीं दी थी यानी डी ढूंढना था, एक में ए की वैल्यू नहीं दी थी हम लोग को ए ढूंढना था, अब एन की वैल्यू नहीं दी तो एन ढूंढना है, मतलब आंसर तीनों तीन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5.2 अगेन एंड देयर यू जो टेबल दिया है आपको उसमें से क्वेश्चंस दोहराता हूं, तो ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है पर एन नहीं दिया है, नंबर ऑफ टर्म नहीं दिए,
और डायरेक्टली आंसर दे दिया ए है, तो हम लोग क्या करेंगे वापिस मिसिंग वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे वापिस फॉर्मूला का वही का वही है ए एन, फॉर्मूला कंपल्सरी आना चाहिए, वो अभी आपको लर्न हो जाना चाहिए। तो ए एन इक्वल टू क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो ए एन की वैल्यू दी है 3.6, तो मैं ए एन की जगह पे लिख देता हूँ 3.6 लेफ्ट साइड में, इक्वल टू ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सॉरी ए की वैल्यू माइनस में 18.9, देखो ए की वैल्यू यहाँ पे माइनस में 18.9, ए एन की वैल्यू 3.6, ये आ गया माइनस में, तो मैं माइनस को इस करके ब्रैकेट में लिखता हूँ प्लस। एन हमको ढूंढना है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको ढूंढनी है, तो एन माइनस वन ठीक है, और डी की वैल्यू क्या दी है 2.5, और ये दोनों का पीछे क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई में रख दूंगा। अब ये माइनस में 18.9 है, उसको मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस, तो 3.6 माइनस वाला इस साइड हो जाएगा तो प्लस 18.9, क्या हो जाएगा माइनस वाला नंबर अगर इक्वल टू के राइट में और लेफ्ट में जाता तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और ये माइनस तो प्लस हो गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या है एन माइनस वन मल्टीप्लाई में 2.5, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ये दोनों का प्लस कर लो तो 6 प्लस 9, देखो इस तरीके से प्लस करना है 3.6 प्लस करना है 18.9, इस तरीके से प्लस करना है 9 प्लस 6 कितना होता है 15 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 8 12 कैरी 1, यहाँ पे 22.5 बनेगा, कितना बनेगा दोनों का जब प्लस करोगे तो 22.5 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 22.5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू आ रहा है 2.5, क्या आ रहा है इंटू 2.5 ओके। यहाँ पर ये 22.5 लेफ्ट में है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 2.5 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई वाला कहाँ हो जाएगा डिवाइड में आएगा, तो 22.5 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2.5 जो मल्टीप्लाई में था राइट में और लेफ्ट में जाएगा तो डिवीजन चला जाएगा इक्वल टू एन माइनस वन हो जाएगा ठीक है एन माइनस वन। अब देखना इसके भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, मतलब यहाँ पे होगा 22.5 अपॉन 2.5 है, दोनों का पॉइंट पॉइंट काट लो, क्या कर सकते पॉइंट पॉइंट काट सकते, तो हम लोग ऐसा लिख सकते 225 डिवाइड बाय 25, क्या बन जाएगा 225, दोनों का पॉइंट पॉइंट मैंने उड़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कर सकते इसका पॉइंट इस नीचे वाले का पॉइंट ऊपर आएगा 10, इसका पॉइंट भी नीचे आएगा 10, तो 10 का, इसलिए मैंने डायरेक्टली किया है 225/25 इक्वल टू हमारा n माइनस 1, क्या है n माइनस 1, पर 25 का टेबल करोगे तो 225 कैसे आता है 25 9s, क्या करते हैं 25 9s करोगे तो 225 होता है, 25 का टेबल में 225 आता है तो 25 9s, तो ये दोनों का डिवीजन करूंगा तो क्या बन जाएगा 9, 9 इक्वल टू क्या आंसर मिला हमारा n माइनस 1, ये माइनस 1 को मैं यू लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो n इक्वल टू क्या होगा 9 प्लस 1, That's why हमारा फाइनल आंसर बना n इक्वल टू 10, मतलब क्या होगा nth टर्म हमको n ढूंढना था तो क्या हो जाएगा 10th टर्म आंसर आएगा, दिस इज द फाइनल आंसर, तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का और एग्जाम था, और भी एग्जाम है हम लोग फटाफट करके फिर हम लोग वन क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन खत्म करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, और साथ में बोर्ड में फिलप्स में पूछा जाए ऐसा 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक्चुअली आपको देखने के लिए सर इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मार्क में फिलअप में, लेकिन यस ये थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन बहुत मस्त मजेदार क्वेश्चन, देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमको ए की वैल्यू दी है, डी की भी वैल्यू दी है, एन की भी वैल्यू दी है, हमको ए एन ही ढूंढना है, कॉमन ही है, जो पहले वाले सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल बताए थे वैसे आपको करना है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले ए एन ढूंढना है, तो एन टर्म ढूंढना है, ए एन का फॉर्मूला क्या है हमारा, क्या फॉर्मूला है हमारा ए एन इक्वल टू क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज अवर कॉमन फॉर्मूला, मैंने अभी इस वीडियो में कम से कम मैंने खुद ने 10 बार बोला, तो आपको क्या करना है इसी में ही आपको 10 से 15 बार या 25 बार लिख के फॉर्मूला को लर्न करना पड़ेगा, जब तक फॉर्मूला नहीं लिखोगे आपको कुछ नहीं आएगा, ये बात याद रखना ठीक है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, ए एन की वैल्यू ढूंढनी है, ए एन की वैल्यू ढूंढनी है तो ए एन एज इट इज, ए की वैल्यू अभी आपको दिया है 3.5, तो मैं क्या करूंगा ए एन सॉरी ए की जगह पे लिखूंगा 3.5 प्लस, एन की जगह पे कितना 105 नंबर दिए, तो मतलब एन की जगह पे लिखो 105 माइनस 1 105 माइनस 1 और इंटू डी है, क्या है वैल्यू कितनी है 105, तो 105 एन की वैल्यू माइनस 1 और डी की वैल्यू है कितनी 0, डी की वैल्यू दी डी दिया है 0, मतलब कॉमन डिफरेंस दिया है 0। अब देखना यहाँ पे 3.5 प्लस 105 में से 1 को माइनस कर दो, क्या बचेगा 104 मल्टीप्लाई बाय क्या है 0, और 0 का मल्टीप्लाई बाय कुछ भी करोगे, किसी के भी साथ करोगे, कितने भी बड़े नंबर के साथ करोगे, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इट इज नोन एज द 0, बिकॉज 0 इज द किंग इन द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में 0 क्या होता है किंग होता है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 3.5 एज इट इज, मैंने और पहले ही बोला था हर एक सम में
एपी के कितना भी सम करो एक ही वैल्यू अगर आ जाती है तो जब तक यहाँ का शॉर्ट आउट नहीं होता तब तक एक ही वैल्यू क्या करनी कॉमन उतारते ही जाना है ठीक है। अब प्लस 104 मल्टीप्लाई बाय 0 करोगे क्या बन जाएगा 0 क्या बन जाएगा 0 तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी साथ करोगे 0 आंसर क्या आ जाएगा 3.5 एज इट इज बिकॉज़ 0 प्लस ये आंसर करोगे वही का वही आंसर रहेगा तो क्या बन जाएगा ये 3.5 तो 3.5 एज इट इज ये हमारा आंसर आया an का। तो देखो पहले भी an वही का वही था मतलब a फर्स्ट टर्म भी वही है और nth टर्म भी वही का वही बिकॉज़ क्या हो गया कॉमन डिफरेंस 0 है। This is your final answer of question number 1 is finally over here of the 5.2. Okay.